faster recording of the other. Let's see. पीछे आ गया है शायद से. तो I'll have to merge it. Thanks. तो जब सर्टिफिकेशन करना है तो किसी कंपनी में जाओ एंड लेट द कंपनी पे फॉर योर सर्टिफिकेशन, बिकॉज उनको वो गिमिक बाय करना है, लेट देम बाय. बट यू डोंट नीड टू बी सर्टिफाइड. आई मीन तुम सर्टिफाइड रहोगे ना तो वर्किंग फॉर अ सर्विस बेस्ड कंपनी, कंपनी लाइक आई डोंट वांट टू नेम देम बट यू नो द टॉप 10 कंपनी, तुम करो, तुम ऐसे लिस्ट करो जो कंपनी से तुमको बार बार कॉल आएंगे एंड पीपल थिंक ओके वर्किंग विद दिस कंपनी आर वेरी गुड. आई मीन फॉर स्टार्टअप फ्रेश फॉर फ्रेशर्स यू कैन गो देयर, बट ट्रस्ट मी तुम्हारा जो काम करने का वहाँ पे इट्स अ वेरी टॉक्सिक एनवायरमेंट है. सब लोग मतलब एकदम ऐसी मेंटालिटी से है कि मजदूरों से काम कराया जा रहा है, ऑल द बिग नेम्स दैट वी हैव राइट. तो तुम गूगल पे करो टॉप 20 डालो और जो भी है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी ईच एंड एवरी कंपनी देयर, और वो कंपनी को तुमको सिंपली अवॉइड करना. आई मीन अवॉइड एज इन फर्स्ट, अगर तुमको यू शुड बिकम अ चूजर के हाँ मैं चूज करूँ, ऐसा ना हो कि डेस्परेशन में आए कंपनी कैसे वैसे मर धर के आइए. तो वो कब होगा, जब तुम सही से ये नहीं करोगे, जब तुम सब चीज़ों को अच्छे से समझोगे ना तो यू विल बिकम चूजर और तुम अच्छी कंपनी को चूज कर सकते हो. और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जो कॉलेज से फ्रेश आउट्स आए हुए रहते हैं ना, तो दे आर उनको पता नहीं रहता कि दुनिया कितनी मतलब कितना विल्डरनेस से आउट है. तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर पीपल हु आर एक्चुअली फ्रेशर. लेकिन यहाँ पर यही है कि लोग क्या करते हैं कि नहीं मुझे सर्टिफिकेशन करना है, पहले कुछ कमाना तो स्टार्ट करो, फिर पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो. पहले कोर्स में पैसे डाल रहे हो, फिर सर्टिफिकेशन में डाल रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे तुमको कुछ नहीं आता. सर्टिफिकेशन से मैं बताता हूँ क्या होगा, यू विल ओनली बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, प्रोबेबली यू विल बी प्रायोरिटाइज एंड प्रायोरिटाइज बाय दीज कंपनीज, बिकॉज इनका पूरा बिजनेस लॉजिक बताता हूँ क्या रहता है. दे ये लोग क्या कर लेते हैं, सस्ते में जो भी हमारे सर्विस बेस्ड कंपनीज है, स्पेशली इंडियन सर्विस बेस्ड कंपनीज, वो क्या करते हैं सस्ते सस्ते प्रोजेक्ट उठा लेते हैं. मतलब देर आर सो मेनी कंपनीज यूरोप में सर्विस बेस्ड कंपनी है, यूएस में है, अदर भी रीजन्स में है. हमारे इंडियन बेस्ड कंपनीज क्या कर लेती है, सस्ते में प्रोजेक्ट उठा लेती है, बिकॉज दे लाइक कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, अब उसको आईटी कुछ नहीं आता, तो वो लोग क्या करेंगे, आईटी किसी को आउटसोर्स कर देंगे जो आईटी के स्पेशलाइज्ड है. सो कॉल्ड हमारे जो बिग नेम्स है, TCS, Tech Mahindra, Mindtree, HCL एंड ऑल दोस थिंग्स राइट, जो तुम्हारा ऑल दे विल डू इज सक द ब्लड आउट ऑफ यू, वही काम करेंगे वो लोग. तो ये लोग सस्ते में प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं एंड बिकॉज इन्होंने सस्ते में उठाया है तो तुमको ज्यादा पैसा पे भी नहीं कर सकते वो लोग, तो मार्केट गिराने का काम कर दिया है लोगों ने. और इनका इमेज किस तरह से खराब हो रखा है, बिकॉज ये लोग क्या कर लेते हैं कि इनके पास में अगर वर्कफोर्स नहीं भी रहेगा तो भी बोलते हैं कि हमारे पास में लोग हैं, हमारे पास में वर्कफोर्स है, वी हैव द रिसोर्स, यू कैन गिव अस, तुम्हारा प्रोजेक्ट दे दो. और ये लोग क्या कर लेते हैं, इनका हिस्ट्री क्या रहा है कि कोई, बिकॉज अब इनके बातों पे वैल्यू नहीं है कि ये लोग बोले कि हाँ हमारे पास 10 लोग है AWS के, तो अभी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है बोलेगी कि तुम्हारे 10 लोग आर दे रियली द AWS स्पेशलिस्ट और दे आर समथिंग एल्स. अब फार्मास्यूटिकल कंपनी को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जो भी ये बोल रही है कंपनी कि हाँ मेरे पास 10 लोग हैं और ये 10 के 10 स्पेशलिस्ट हैं, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को आईटी का कुछ नहीं पता. तो वो लोग क्या करेंगे कि अच्छा ठीक है मुझे तो AWS पे काम करना है, तो AWS किस तरह से लोग को स्पेशलिस्ट मानता है, तो AWS तो अपना AWS अपने सर्टिफिकेशन बेच रहा है. जितनी भी कंपनी है, जितना ये लोग अपने प्रोडक्ट से कमा रहे हैं उतना ही ये लोग अपने सर्टिफिकेशन से भी कमा रहे हैं, तो इट्स अ बिजनेस फॉर देम. तो AWS उनको बोलेगा कि हाँ ठीक है अगर ये बंदा सर्टिफाइड है तो तुम उसको स्पेशलिस्ट मान लो. तो फार्मास्यूटिकल कंपनी आती है और इन सर्विस बेस्ड कंपनी को बोलती है कि तुम्हारे बंदे के सर्टिफिकेट दिखाओ मुझे. तब फिर ये लोग जब हायरिंग करते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि आर यू सर्टिफाइड, तो वो लोग सर्टिफाइड लोगों को उस तरीके से उठा लेते हैं. और क्योंकि इनका जो ये रहता है पूरा पूरा का पूरा मतलब उठाया हुआ बिजनेस है, इट्स नॉट इन अ वेरी गुड सेंस, और इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे जो जिनको लेकर आ जाते हैं लोग उनसे दुनिया भर का काम करा लेते हैं. तो फॉर फ्रेशर्स इनिशियल डेज गुड टू डू नो, मतलब करना चाहिए तुम लोग को फ्रेशर में, ताकि तुमको रियलिटी जो हार्श रियलिटी है वो पता चले. अगर तुम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे ना तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता और एकदम गवर्नमेंट जैसी लाइफ हो जाएगी तुम्हारी. तो क्योंकि लाइक आई हैव वर्क्ड एंड अगर मैं इंटरव्यू लूंगा ना तो सर्टिफाइड लोग मैं कुछ उसको कुछ भी मतलब ये नहीं दूंगा. एंड आई हैव वर्क्ड विद सो मेनी पीपल हु आर आई वर्क्ड विद द पीपल हु एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू द ओपन सोर्स एंड दे गिव जीरो वैल्यू टू द सर्टिफिकेशन, ट्रस्ट मी. तो वो लोग भी जब इंटरव्यू लेते थे ना हम लोग, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद देम, नोबडी एक्चुअली किसी ने प्रायोरिटी नहीं दिया कि हाँ तू सर्टिफाइड है तू पहले आ, तेरे को हम लोग एक्स्ट्रा ये दे देंगे, कुछ ये नहीं था. तो
सर्टिफिकेशन का वैल्यू जो है एक अलग साइड में है, जहाँ पे तुम स्टार्टिंग में चले जाओ लेकिन यू डोंट वांना बी देयर फॉरएवर, क्योंकि तुम वहाँ पे हमेशा रहोगे ना तो सड़ जाओगे। तुमको बाहर आना है, अपने आप को मतलब इम्प्रूव करना, तो पहले चीजों को सीखो। और सर्टिफिकेशन करना है ना तो अपने पैसे से मत करो, कंपनी के पैसे से करो, कंपनी रीइंबर्स करती है, तो जब तुमको जॉब लगेगा ना तो वहां से करो, वो लोग तुम जितने सर्टिफिकेशन करना है करो, सारे पैसे वो लोग पे करेंगे, क्योंकि उनकी 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 जरूरत बन गई है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन का तो इतना ये नहीं है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि लोग इतना मतलब सब छोड़ छाड़ के हर किसी को सर्टिफिकेशन ही करना रहता है, बट सर्टिफिकेशन से तुम्हारा इंटरव्यू का चांस बढ़ जाता है। मे बी यूल गेट अ प्लेटफॉर्म विद द कंपनी, जो तुम जाने के बाद में सोचोगे यार मैं कहीं और जाना चाहिए था, क्योंकि अंदर में जाके क्या कर देंगे तुमको, जो रिपीटेड काम कराते हैं ना, जो हम लोग बता रहे हैं कि डेवलपर जो रिपीटेड काम करते रहता है, या एडमिन जो वही सपोर्ट का काम करेगा 24 घंटे की शिफ्ट में, वही काम तुमको करवा देंगे, तुमको सपोर्ट में लगा देंगे, ऑपरेशन में लगा देंगे, डेवलपर में लगा देंगे, और वही काम तुमको करना पड़ेगा। तुमको कभी रियल डील जो रहती है ना, जहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे कुछ काम होगा, जहाँ से तुमको एक्चुअली कुछ सीखने मिलेगा, वहाँ वो सब नहीं होने वाला। तो स्टार्टिंग में तुम्हारा फोकस वो रहना चाहिए, फ्रेशर्स कैन गो एंड सी द किस तरह से वेल्डरनेस है, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है और सब अपने एक अलग, सबको ऐसा लगता है कि वी आर द बॉस 20-21 की एज में, और 18 के बाद में हर किसी को लगता है कि मैं ही बॉस हूँ, बाकी सब ये है। तो वो जाके देखो और देखो कि तुम लोग कितना पानी में हो, वहाँ पे तुमको समझेगा, और कितना प्रेशर रहता है, कितना पॉलिटिक्स होता है, और कितना मतलब टॉक्सिक जो है पूरा माहौल को बना के रखा हुआ रहता है वहाँ पर। तो गो देयर बट डोंट, उसमें सिंक मत हो जाना, मतलब अगर तुमको मिलता भी है ना, व्हेन यू जब तुम डेस्परेट हो तो तुमको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी तो जाओ, लेकिन वहाँ पे डूबना नहीं है तुमने, वहां से तुमको जल्द से जल्द निकल के आ जाना है अपने आप को, मतलब ये करने के लिए, जस्ट कि तुमको तुम्हारे सीवी पे रिज्यूमे पे कुछ बिठा देना है, उसके बाद में यू शुड गेट आउट ऑफ दैट एज सून एज पॉसिबल, राइट? तो वैसा करो। तो सर्टिफिकेशन का मतलब उतना ये मत लेके चलो कि करना ही है, सर्टिफिकेशन के सिलेबस के बेसिस पे तुम स्टडी करो और उन कंसेप्ट को समझो, और व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑटोमेटिकली तुम प्रिपेयर हो जाते हो सब चीजों करने के लिए। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि तुमने एग्जाम पास किया, जब तुमको इंटरव्यू में पूछा भी जाएगा ना तो तुम उसको भी आंसर कर सकते हो। ठीक, सो कमिंग बैक टू दिस हमारा ये वाला सास एंड सेल्फ होस्टेड, तो ये चीजें रहेगी। ठीक है, तो ये सारे हमारे सर्वर है, और इसमें जो भी कंसेप्ट रहेगा ना, आई शो दैट टू यू ऑन द गिट लैब, प्रोबेबली यू कैन रेप्लीकेट दैट ऑन द गिटहब एज वेल, एंड इफ यू वांट यू कैन डू दैट ऑन द अजूर डेवऑप्स एज वेल। तो क्या करना है यहाँ पर, इन ऑर्डर टू कनेक्ट बिटवीन दीज टू गाइज, हम एसएसएच यूज करेंगे। तो देर इज अ टू वे टू यू, हम लोग यहाँ पे तीन टाइप के, देर आर थ्री मेथड्स वी कैन यूज। वन इज यूजर पास, यूजर नेम पासवर्ड कर सकते हैं, एसएसएच कर सकते हैं, और टोकन वाला कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ओपन आईडी कनेक्ट भी रहता है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वो हम लोग बाद में शायद देख लेंगे। तो ओआईडीसी वगैरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो तुम इधर यू कैन ऑथेंटिकेट, लाइक ये सर्वर है, तुमको यहाँ सर्वर पे सब कुछ रखना है, तो हाउ डू यू ऑथेंटिकेट टू दैट, राइट? सेम एज द विंडो सर्वर, ऑल यू हैव टू थिंक इज कि ये मेरा लिनक्स सर्वर था या क्लाइंट था, और ये हम लोग ये कर रहे थे, तो दैट्स हाउ यू विल टेक केयर ऑफ द कनेक्टिविटी। और इसलिए मैंने बोला था एसएसएच पे फोकस रखो ज्यादा, क्योंकि एसएसएच हर जगह पे यूज होगा। अभी यहाँ पे SSH सेकेंड टाइम वी आर ट्राइंग टू यूज द SSH, राइट? इसलिए जो कंसेप्ट है, इफ यू गाइज आर नॉट फेमिलियर, और तुम इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल, गो एंड वॉच दैट कंसेप्ट। मैंने एकदम उसके ऊपर मैंने 3-4 लेक्चर डेडिकेट किया हूँ, टोटल 6 to 8 आवर्स। द रीजन बिकॉज ये करने का यही मकसद था, ताकि तुम लोगों को अच्छे समझ में आए, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और जब तुम कंपनीज में भी जाते हो तो यूल गेट इन टू अ सिचुएशन वेर यू हैव टू डील विद दिस। समटाइम्स क्या होगा कि यू आर वर्किंग एज अ DevOps और वट एवर एडमिन, बट यू विल नॉट हैव एक्सेस टू दिस सर्वर। तो ये सर्वर पे हाउ डू यू गेट एक्सेस, इफ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी द चांसेस आर वेरी हाई इट विल बी यूजर पासवर्ड, राइट? बिकॉज कंपनी का क्या रहता है, इफ यू रिमेंबर आर क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट यूजर मैनेजमेंट, मैंने तुमको बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी वाला कंसेप्ट, राइट? यूजर और डायरेक्टरी सर्विस का, एंड दैट डायरेक्टरी सर्विस विल बी इंटीग्रेटेड एवरीवेयर। सो दैट डायरेक्टरी सर्विस विल बी इंटीग्रेटेड विथ योर गिटहब, गिटलैब एंड ऑल दोस, एंड द मेथड दैट वी विल बी यूजिंग इट्स अ यूजर पासवर्ड मेथड। ठीक है, बट वेन वी टॉक अबाउट ऑटोमेशन, ओके, दिस इज अबाउट यू आर वर्किंग, राइट? कि तुम काम कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज पुट योर पासवर्ड, आई मीन यू डोंट नीड टू बिकॉज देर इज एसएसओ, तो तुमको यूजर ने पासवर्ड डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट शुड यू डू द ऑटोमेशन और बेस्ड ऑन विथ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, लाइक तुम कोई ऑटोमेशन कर रहे हो कंपनी के लिए कि समथिंग इज हैपनिंग देयर, और वो ऑटोमेशन के लिए तुम अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज करोगे, तुम नहीं करोगे तुम,
तुमको ऐसे से चूज करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स हाउ द ऑटोमेशन शुड टेक प्लेस। और अभी भी हमारे लिए बिकॉज इट्स यूजर नेम पासवर्ड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हेन यू वर्क फॉर अ कंपनी यू डोंट इवन हैव टू टाइप यूजर नेम एंड पासवर्ड बिकॉज एवरीथिंग इज एसएसओ। तुम यहाँ पे अपने लैपटॉप पे लॉग इन करते हो यूजर नेम पासवर्ड डाल के, दैट्स इट, दैट्स द ओनली टाइम यू हैव टू यूज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। ऑल द एप्लीकेशन दैट आर कनेक्टेड टू योर कंपनीज डोमेन यू विल बी ऑटोमेटिकली यू विल गेट एन एक्सेस टू दैट। एंड गेट इज वन ऑफ गेट, जो भी हमारा सर्वर रहेगा यहाँ पे दैट विल बी वन ऑफ दैट सर्वर, राइट? सो लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गेट लैब, तो ये हमारा एक सर्वर, ये एक तरीके का एक सर्वर जो रहेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा, तो नॉट अ बिग डील। और उससे क्या हो जाएगा कि अगर तुम कोई काम करता है ना कंपनी में, तो ही फॉरगेट्स कि कैसे हो रहा है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ऑटोमेटिक हो रहा है। क्योंकि आई हैव सीन पीपल वाइल वर्किंग, राइट, जो जूनियर्स रहते हैं दे डोंट नो हाउ दिस इज हैपनिंग। उनको जस्ट गिट के कमांड पता है लेकिन उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। देवर अंडर द इम्प्रेशन कि सब कुछ हमारे इस पे होता रहता है, मैं गिट एड पुश कमिट मार देता हूँ तो यहीं पे हो जाता है सब कुछ। उनको कभी उनको ऐसा लगता था कि गिटलैब या गिटहब जो है हमारा यहीं पे चल रहा है तो इसलिए सब कुछ हो रहा है। उनको कभी आइडिया ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रहा है, देर इज एसएसओ और आई एम बीइंग ऑथेंटिकेटेड एवरी टाइम आई डू दैट। तो क्योंकि इतना एब्स्ट्रैक्शन रहता है तो तुमको समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग में बताया हूँ कि एवरी टाइम यू आर कनेक्टिंग टू समवेयर यू शुड टेक एवरीथिंग लाइक फायरवॉल, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड इंक्रिप्शन लेवल के जो रहते हैं वो सारी चीजें आ जाएगी। व्हेन यू व्हेन एवर यू आर वर्किंग विद द प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस, वो सारे एप्लीकेशंस का उसके अंदर में ये हो जाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हम लोग गिटलैब पे एक ये बनाते हैं, ठीक है, एंड गिटलैब पे फिर विल यूज द एसएसएच ये करने के लिए एंड देन विल गो हेड एंड कंप्लीट दिस वन। तो दैट्स, उससे क्या हो जाएगा तुमको एक फील आ जाएगा। फिर मैं गिट के बारे में तुमको, गिट का जो है हम लोग थोड़ा इंटरनल समझेंगे कि हाउ गिट्स आर हैपनिंग, इवन दो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू नो, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो तुमको शायद करने पड़ेंगे वाइल वर्किंग एज अ डेवॉप। जब भी तुम क्योंकि हमारा जो सारा काम रहेगा ना, अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ सपोर्ट, लाइक कोई एप्लीकेशन का सपोर्ट में जा रहे हो, कोई एडमिन में बन रहे हो जहाँ पे तुमको 24/7 शिफ्ट में डाल दिया जाएगा, तो प्रॉबेबली इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू कि तुम ये करो। क्योंकि तुम्हारा काम खाली टिकट लो और दे दो, तो तुमको भी पता भी नहीं चलेगा और दैट इज नॉट अ गुड फॉर योर करियर एज वेल कि तुम जाओ किसी एप्लीकेशन सपोर्ट में फंसे रहो। एप्लीकेशन सपोर्ट कोई सी भी हो सकती है, योर एप्लीकेशन कुड बी एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, इट कुड बी योर डेटा बेस, इट कुड बी एनी ऑफ द इंजेशन एप्लीकेशन, इट कुड बी अ क्यू सर्विस जो चलती रहती है मार्केट में, काफ्का और ये सब जो है, इट कुड बी अ बिग डेटा एप्लीकेशन। तुम कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन के एडमिन बन जाओगे तो बस तुमको सपोर्ट में लगा दिया जाएगा कि वो एप्लीकेशन भाई हमको 24 घंटे वो एप्लीकेशन रन करवाना है। तो और उस टीम को ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन टीम बोला जाता है, और तुम जाओ किसी टीम में बोलो मैं ऑपरेशन टीम से हूँ, ऐसा लगेगा कि तुम अपने आप को बता रहे हो तुम कोई गिरे हुए इलाके से आए हो, तुम्हारा रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा तुम जैसे बोलोगे मैं ऑपरेशन टीम से हूँ। तो क्योंकि ऑपरेशन टीम की वैल्यू उतना मतलब नहीं दिया जाता उसको, और जब तुमको जब बड़ी कंपनी जो हायर करती है ना, तो ये लोग ऑपरेशन में, सपोर्ट में या फिर कंसल्टेंसी में तुमको डाल देते हैं, जहाँ पे तुम्हारा काम तुमको पता ही नहीं रहता एक्चुअल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है। और वैल्यू किसकी रहती है, जिन जो प्रोडक्ट लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमको कोई प्रोडक्ट, वी कैन बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट टीम जहाँ पे हम लोग ये सारे ऑटोमेशन करेंगे। और हमारा ऑटोमेशन कुछ हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जो दोज आर लाइक रैपर्स ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक टेराफॉर्म, एंसिबल, सॉल्ट और स्क्रिप्ट है, और भी दूसरे मतलब क्लाउड के नेटिव टूल्स हैं। तो यूजिंग दोज एंड कुबरनेटीज के बहुत सारे जो मैनिफिट्स हैं प्लस टेम्पलेटिंग विद इन द कुबरनेटीज दैट हैपेंस, तो ये सारे टूल्स से पे काम करने के बाद वी आर एक्चुअली इन द प्रोडक्ट टीम। एंड क्योंकि हमने डेवलपर का काम तो था कि एप्लीकेशन को डेवलप कर दिया, बस हमारा काम क्या रहता है कि उसको हाउ वी कैन डिलीवर दिस एप्लीकेशन टू द प्रोडक्शन। उसके बाद प्रोडक्शन के बाद में क्या हो जाएगा, जो ऑपरेशन वाला रहेगा बस उसको मॉनिटर करेगा वॉचमैन की तरह बैठ के, कुछ भी उसमें फेल हो गया टिकट मतलब बना दो, इधर एडमिन प्रोडक्ट टीम के लिए बना दो या डेवलपमेंट टीम के लिए बना दो, उसका काम रहेगा बस टिकट बनाओ, उसमें क्या होता है नहीं पता उसको। SOP समटाइम्स क्या रहता है, बहुत ईजी इशू रहेगा कि एप्लीकेशन ये हो गया मतलब डिस्क स्पेस फुल हो गया, तो वो बंदा उसके लिए भी उसको वो भी नहीं पता कि डिस्क स्पेस फुल हो गया तो क्या करना है, वो प्रोडक्ट टीम के लिए टिकट बना देगा, तो प्रोडक्ट टीम वाला परेशान हो जाता है कि भाई मैं प्रोडक्ट का देखते बैठूँ कि तेरे ये चिल्लर इशू देखते देखते बैठूँ, तो वो क्या करेगा उसके लिए SOP बना देगा। SOP क्या रहेगा उसके लिए, सब बेबी स्टेप दे देगा कि देख जब भी डिस्क भर गया ना तो ये रन करना, ये रन करना, ये रन करना। अब सोचो किसी के लिए तुम इतना काम कर रहे हो तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी कंपनी में, राइट? तुमको उसको ये सारी चीजें बता बता के देना पड़ता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम रहती है। उसको कंसिडर किया जाता है कि बस इसको दो ही चीज आती है,
कि टिकट बनाना और टिकट को क्लोज करना, ऐसे काम हो जाते हैं। तो रिस्पेक्ट, जितना तुम अच्छा काम करोगे, जितना तुम क्रूशल काम करोगे, उतना तुम्हारा रिस्पेक्ट ज्यादा रहेगा। जितना तुम ढीला काम करोगे या फिर काम ऐसा करोगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो उतनी तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इस तरीके से चलता है साइकिल। तो डेवलपर क्या करेंगे, डेवलप कर देते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, और प्रोडक्ट को मतलब पूरा पैकेज करना और उसको प्रोडक्शन में लेकर आना काम रहेगा डेवऑप्स का। और डेवऑप्स का काम ये रह जाएगा, और उसके बाद में जो आगे आगे का काम है वो ऑपरेशन का है। अभी ऑपरेशंस को मतलब थोड़ा, अगर तुम जब कोई भी अगर डेवऑप्स देखोगे ना, तो वो लोग वही बताएंगे कि इनको पहले इनको फर्स्ट क्लास सिटीजन का स्टेटस दिया जाए। ऑपरेशन टीम जो भी है, जो मतलब वॉचमैन का काम कर रही है तुम्हारा, इनको पहले फर्स्ट लेवल का सिटीजनशिप दिया जाए कि इनकी वैल्यू बढ़ाई जाए, इनको वैल्यू जो कम दी गई है। तो इसके लिए एक फैन, इन दोनों का मतलब एक कॉम्बिनेशन आया हुआ है, दैट इज SRE के साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। तो उसका काम भी वही हो जाता है, राइट, कि ये मतलब साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, वो जो भी तुम्हारी साइट है उसकी रिलायबिलिटी देख रहा है। ऑपरेशन वाला बंदा क्या करता है, वो वही देखता है ना सस्टेन। इस टीम का नाम ज्यादातर कुछ कंपनी में सस्टेनेंस भी बोला जाता है। स्पेलिंग गलत हो रही है, तुम इग्नोर कर दो सस्टेनेंस, ठीक है। तो यू हैव सस्टेनेंस टीम्स, ऑपरेशन टीम्स, एंड नाउ देर इज अ फैंसी वर्ड जो गूगल कर रहा है, दैट इज अ SRE टीम, एंड देन देर इज अ प्रोडक्ट टीम। तो गूगल का जो है उसमें एक डेवलपर टीम, मतलब उसमें दो ही रहती है, एक प्रोडक्ट टीम रहेगी जिसको जो क्लोजली दे वर्क विद द डेवलपर टीम एंड SRE टीम। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि सब सबसे सबसेट बना बना के रख दिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने वही प्रोडक्ट टीम में बना दिया, एंड देन देर इज अ डेवलपर एज वेल। तो ये गूगल के ये हो गए, बट ट्रेडिशनली अदर देन गूगल ने SRE इंट्रोड्यूस किया, तो ऐसा है। तो SRE में भी वही काम हो रहा है, लिटरली यू आर डूइंग अ साइट रिलायबिलिटी, जो तुम्हारी साइट है व्हाट एवर योर एप्लीकेशन उसकी रिलायबिलिटी देख रहा हो, और उसी की तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस गाय डम, जो कि जिसको कुछ नहीं आता, ये हर बार ही हैज टू रिलाय ऑन द डेवलपर टीम, और डेवलपर टीम प्रोडक्ट टीम या फिर डेवलपर टीम, कि इसका काम क्या है कि मॉनिटर करते बैठो, जैसे फेल हुआ है टिकट बना दो डेवलपर के लिए, या फिर आइडेंटिफाई करो इशू कहाँ पर है, प्रोग्राम में इशू है या फिर डिप्लॉयमेंट में इशू है। डिप्लॉयमेंट में है तो ये प्रोडक्ट टीम के पास जाएगा, और अगर कोई बग है एप्लीकेशन में तो यहाँ पे जाएगा। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि कुछ स्मार्ट लोग रहेंगे तो एटलीस्ट वो देखते तो है क्या है। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि सीधा अंधाधुंधी, हाँ इशू आया सीधा बग बना के लगा दो डेवलपर को, और फिर टीम फाइट करते बैठती है कि तुम लोग देखते नहीं हो, तुम लोग को देखना चाहिए कि क्या इशू है, फिर उसके बाद असाइन करो, पहले खुद देख लो, तुम खुद इशू रिजॉल्व कर सकते हो। तो वो सारी चीजें भी चलते रहती हैं इसके अंदर में, ठीक। तो हमको टारगेट ये करना है अभी के लिए, या फिर एटलीस्ट ये करना है। तो इधर वी शुड गो इनटू डेवॉप्स और वी शुड गो इनटू SRE, बहुत इंटरचेंजेबली यूज हो रही है, और नॉट ओनली न्यू कंपनीज, जो मतलब कंपनी विद द IT एस्पिरेशंस, दे आर गोइंग विद दिस, जो क्योंकि हर कंपनी, कोई कंपनी चेंज नहीं करना चाहती, जो उनका जो चल रहा है उसको चलने दो। लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको मैं जाके बोलूंगा कि भाई ये करो, वो कंपनी बोलेगी कि IT से पहले तो मुझे कुछ कमाने को मिल नहीं रहा है, IT मेरे लिए एक्सपेंस है, और उसमें से तुम बोल रहे हो कि चेंज करो, जो कि चलेगा नहीं चलेगा वो भी नहीं पता, जो भी मेरा चल रहा है वो भी फट जाएगा अगले महीने में, क्योंकि मैं अपग्रेड करना है मुझे। तो वो कंपनी विल बी स्केयर टू डेथ के वो नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अपग्रेड और अपडेट और चेंज इज नॉट अ बिजनेस फॉर देम, इट्स अ एक्सपेंस फॉर देम, जो लॉस हो जाएगा उनके लिए, और अगर वो सही से नहीं चला तो इट्स अ डेफिनेटली लॉस। और बहुत बार होगा, वेन एवर यू आर चेंजिंग समथिंग, तो चांसेस आर वेरी हाई कि कुछ ना कुछ उसके अंदर गलत हो सकता है, मतलब समथिंग विल फेल एंड इट कैन गो रॉन्ग। तो इसलिए कंपनीज आर स्केयर्ड टू अपग्रेड एनीथिंग, टू चेंज एनीथिंग। तो कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, और कोई भी कंपनी चेंजेस के लिए नहीं बनाई गई कि हाँ हर बार तुम चेंज करते रहो। स्पेशली जो कंपनी जो IT में बिलोंग ही नहीं करती, जिनको हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बोलते हैं, लाइक फार्मास्यूटिकल हो गई, रिटेल हो गई, ट्रांसपोर्ट, और जितने भी अलग टाइप के इंडस्ट्रीज हैं अदर देन IT, तो वो सारे हमारे लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होगी। तो उनका IT से रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता, IT से रेवेन्यू जनरेशन इनका हो रहा है जो कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, जो कोई सर्विस दे रही है। तो IT में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो रही, IT की IT प्रोडक्ट जो बनाती है जो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, लाइक गिटलैब है। तो अगर तुम गिटलैब में जाके काम करोगे तो दे आर एक्चुअली डेवलपिंग IT प्रोडक्ट, तो दे आर IT ड्रिवन कंपनी, एंड दे वुड वॉन्ट टू कम्पीट एवरी टाइम। एवरी टाइम देर इज अ न्यू कंसेप्ट और न्यू मेथडोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट, दे वुड वॉन्ट अडॉप्ट दैट। तो ये सारी कंपनी अडॉप्ट करेंगी जो भी मतलब IT के चल रही है चीजें, क्योंकि उनको कम्पीट करना पड़ेगा, ताकि उनके कस्टमर आएंगे और उनके कस्टमर बोलेंगे कि अरे तुम लोग ये नहीं करते हो, ऐसा करो वैसा करो, तो दे
उनको ऐसा है कि हाँ वो अगर हम लोग वो नहीं करेंगे तो इट्स अ पोटेंशियल लॉस फॉर अस दैट कस्टमर विल गो एल्सवेयर. ही इज लाइक ओके ठीक है तुमको नहीं करना तो मैं किसी और से जाके करवाता हूँ. तो वो चीजें रहेंगी. ठीक है, तो आगे जो गिट है ना, हम लोग गिट को गिट का कोर समझेंगे स्लोली स्लोली, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को साथ में लेके चलेंगे. तो फर्स्ट वी नीड टू सेट अप अकाउंट ऑन द गिट लैब, एंड गिट लैब इज फ्री. ऑल यू नीड अगेन इज द जीमेल अकाउंट. यू कैन डू दैट ऑन गिट हब, यू कैन डू दैट ऑन अजोर डेवऑप्स, ठीक है. एंड वी आई वुड वॉन्ट यू गाइस टू डू दैट. आई विल मेक श्योर दैट इट इज एडेड इन द असाइनमेंट, सो यू कैन एक्चुअली गेट अ कनेक्टिविटी बिटवीन गिट हब एंड गिट लैब, सॉरी गिट हब एंड गिट. तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू इंस्टॉल द गिट, ठीक है, ऑन योर सर्वर. सो आई हैव गिट इंस्टॉल, और अगर तुम्हारे पास नहीं है ना तो गिट इंस्टॉल करने का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है. लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू. लेट मी शेयर दिस. ओके, सो गिटलैब पे कोई भी तुम लॉगिन कर सकते हो. लाइक लेट मी गो बैक. वी यहाँ पे आई हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स बट इग्नोर दैट. सो व्हेन यू कम टू गिटलैब, ठीक है, यू कैन जीमेल से हो जाएगा तुम्हारा काम. अब द थिंग इज के हाउ डू यू इंस्टॉल द क्लाइंट, ठीक है. सर्वर तो आ गया, गिटहब की तुमको पता है, तो गिट इंस्टॉलेशन के तुम स्टेप फॉलो करोगे यहाँ पर. अगर कोई डब्ल्यू एस एल यूज कर रहा है, लाइक आई एम यूजिंग डब्ल्यू एस एल राइट नाउ, अगर या फिर तुम गिट बैश यूज कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट. यू कैन इंस्टॉल द गिट बैश, और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, इट्स नॉट अ बिग डील. एंड माई एक्सपेक्टेशन इसके सबको आना चाहिए अब तक ये. तुमको ऑल यू हैव टू डू, अगर तुम विंडोज पे हो तो तुम इस पे क्लिक करना है और वो डाउनलोड हो जाएगा. लिनक्स है तो यहाँ पे लिनक्स के स्टेप्स है. अगर तुम डब्ल्यू एस लिनक्स पे हो ना तो ऑल यू नीड इज द पैकेज मैनेजर, ठीक है. जो भी तुम्हारा पैकेज मैनेजर है तुमको बस वो करना है. तो अभी ये मेरा डब्ल्यू एस एल है विच इज डेबियन बेस्ड, तो आई कैन डू कैन. तो ये उबंटू 18 है मेरा, राइट. तो उबंटू 18 है मतलब कि इसका पैकेज मैनेजर पता होना चाहिए मुझे क्या है. अब पैकेज मैनेजर इसका एप्ट है, एप्ट इंस्टॉल. और अगर मैं गिट कर दूंगा तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, प्रॉब्ली अपडेट करने की कोशिश करेगा. तो अगर तुम डब्ल्यू एस एल पे हो तो दिस इज ऑल यू हैव टू डू. ठीक है, तो उसने बोला सब है मेरे पास, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इट्स ऑल गुड, राइट. तो सारी चीजें मेरे पास में ऑलरेडी है, तो कुछ किया नहीं इसने. ये अगर तुम विंडोज पे हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, ये और ये करने के बाद में तुम्हारा ये ओपन हो जाएगा ऐसा गिट बैश इंस्टॉलेशन का, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हो चुका है. तो आई एम नॉट शोइंग यू गाइस, एंड द रीजन वाई बिकॉज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. तो जब तुम ये करोगे तो तुम्हारे पास में ऐसा ये आ जाएगा, गिट बैश का टर्मिनल आएगा खुद का ही, और उस टर्मिनल पे नाउ यू कैन रन. तो यहाँ पे पूरा लिनक्स के कमांड यहाँ पे भी तुम रन कर सकते हो. तो दैट्स हाउ यू कैन गेट अ क्लाइंट. तो ये जो स्टेप्स हम लोग देख रहे हैं, दिस इज जस्ट टू गेट अ क्लाइंट. गिट क्लाइंट हमने लेकर आ गया, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन राइट नाउ इन द गिट. सो इधर यू आर ऑन अ डब्ल्यू एस एल, तो तुमको ये करना है. अगर तुम लिनक्स पे हो तो भी तुमको वही लिनक्स का पर्टिकुलर कमांड उनके करना है. विंडोज पे हो तो ये करना है, और मैक पे हो तो भी मैक का और लिनक्स का सिमिलर वे में होगा. मैक में जो पैकेज मैनेजर है ब्रू रहता है, तो तुम ब्रू से कर सकते हो जिसको, ब्रू इंस्टॉल एंड देन यू कैन पुट अ गिट. सो दैट्स हाउ यू विल गेट इट. सो इंस्टॉलेशन ऑफ द गिट क्लाइंट इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विद इन दिस लिनक्स लेट मी क्रिएट अ रेपो सेटअप. ठीक है, मैंने एक डायरेक्टरी बनाया हूँ, और इस डायरेक्टरी में मैं अब सीडी कर लेता हूँ. अब यहाँ पे आते हैं हमारे गिटलैब सर्वर पर. तो गिटलैब पे यू कैन साइन रजिस्टर, सेम स्टेप्स यू कैन फॉलो. आई मीन हर किसी ने जीमेल अकाउंट बनाया होगा, राइट. तो सिमिलरली सेम स्टेप्स यू हैव टू फॉलो ऑन द जीमेल, ऑन गिटहब और एनीथिंग. सो प्रोसेस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू कैन ऑल्सो डू द साइनिंग विद दिस, राइट. दिस इज द ओआईडीसी ओपन आईडी कनेक्ट क्लाइंट. तो वी कैन हैव दिस इंटीग्रेटेड विद द एक्टिव डायरेक्टरी. राइट नाउ दिस इज इंटीग्रेटेड और फेडरेटेड विद दिस आइडेंटिटी प्रोवाइडर, राइट. तो मेरे पास में गूगल का अकाउंट है, लेट मी ट्राई टू लॉग इन विद दिस.
ओके वंस वी लॉग इन, अब यहाँ पे कुछ गिटलैब का भी कुछ कंसेप्ट है विच वी विल टॉक लेटर। अभी के लिए तुमको क्या करना है, ऑल यू हैव टू क्लिक हियर न्यू प्रोजेक्ट। जब भी तुम आओगे ना तो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो यू कैन ऑल्सो टेक दैट फ्रॉम यहाँ से भी कर सकते हो, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक, तो गिटलैब में प्रोजेक्ट का मतलब रहता है रजिस्ट्री, मतलब सॉरी प्रोजेक्ट का मतलब रहता है रिपोजिटरी। ठीक है, तो वी आर ऑन द गिटलैब और ये हमारा क्लाइंट है, वी आर यूजिंग गिट। ठीक है, तो यू कैन यूज गिट बैश एज वेल, दैट इज वन ऑफ द क्लाइंट, और यू कैन सिंपली यूज द गिट जो वी आर रहता है। तो दोनों भी है मेरे पास में, मेरे पास गिट बैश भी है जो कि दैट इज अ क्लाइंट फॉर द विंडोज, एंड आई थिंक यू कैन यूज द सेम क्लाइंट फॉर द मैक एज वेल। सो आई हैव गिट बैश एंड आई ऑल्सो हैव द ओपन द कोर गिट एज वेल ऑन माई WSL। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करनी पड़ेगी, पहले रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। तो देट इज अ कंसेप्ट ऑफ रिपोजिटरी, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। अभी के लिए जस्ट बना लेते हैं बिकॉज विल क्विकली स्विच टू द कोड। तो यहाँ पे रिपोजिटरी बनाते हैं और गिटलैब में उसको प्रोजेक्ट बोला जाता है। और ये सेम चीज जो है तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड ऑन द गिटहब एज वेल। इस पे भी बता दूंगा मैं तुम लोगों को, गिटहब एंड एज़्योर डेवऑप्स पे भी मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, बट दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा काम करेंगे, वहाँ पे हम लोग CI/CD रिलेटेड जब चीजें आएगी ना तब वो वाली चीजें हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनानी है गिटलैब पे, तो लेट्स गो। यहाँ पे जो उसने उसका बोलने उसका टर्म है, दैट इज टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ बना देता हूँ। तो क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट एंड अदर है, लेट्स विल कीप इट वेरी सिंपल। क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ओपन और ये रेपो प्राइवेट है। अगर प्राइवेट रख रहा हूँ तो लाइक गिटहब पे तुम कोई सी भी रिपोजिटरी जाके देख सकते हो, मतलब यू कैन ओनली सी द रिपोजिटरी विच आर एक्चुअली पब्लिक, यू कैन नॉट गो एंड सी द प्राइवेट रिपोजिटरी। प्राइवेट रिपोजिटरी रहेगी तो तुमको उसका एक्सेस लेना पड़ेगा। तो मैं इसको पब्लिक बनाऊंगा तो एनी बडी कैन सी एंड कॉपी द कोड फ्रॉम हेयर विदाउट ऑथेंटिकेटिंग, बट वेन आई मेक इट प्राइवेट ओनली पीपल विद द प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन कैन कॉपी एंड रीड द कोड वॉट एवर आई हैव राइट। तो विल कीप इट अ प्राइवेट ओनली, वी डोंट नीड टू मेक इट पब्लिक, एटलीस्ट आई डोंट नीड टू मेक इट पब्लिक। एंड हाउ यू गाइज कैन टेक अ कोड फ्रॉम हेयर मैं बताऊंगा उसका तरीका। सो विल गो अहेड एंड क्रिएट दिस, एंड जो मुझे ये करने के लिए बोल रहा है तो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस ऑन द रूट इटसेल्फ। तुम्हारे केस में नहीं आएगा, मेरे केस में ये इसलिए आया है बिकॉज आई हैव सो मेनी वर्क स्पेसेस, वर्क स्पेसेस एज इन आई हैव सो मेनी ग्रुप्स। तो ग्रुप्स जो है एक आइसोलेशन है, तो मेरे पास वो है, दैट्स द रीजन व्हाई इज आस्किंग फॉर यू। व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम समथिंग विल बी पॉपुलेटेड हियर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नेम। ओके रिपोजिटरी नेम नो, यू कैन कीप इट एनीथिंग बिकॉज योर रिपोजिटरी नेम विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस राइट। सो इट इज अ gitlab.com एंड देन वॉट एवर योर this will be generated right, we don't need to create this one, and this is going to be a unique anyway. So the whole url, this is the url, https://gitlab.com/e4002/ the repo name. So this repo name can be same for you as well, your this number is going to change, ye bhi tumhara same rahega. Agar ye hum log self hosted ki baat kar rahe hain to then this will this can become a different as well, but abhi ke liye this जब सेल्फ होस्टेड रहेगा ना तो मैं मेरी कंपनी का नाम लगा दूंगा वहाँ पे, लाइक rtlab.gitlab.com समथिंग लाइक दैट। तो उससे पता चलेगा कि ये मेरी कंपनी का है, तो वो अलग है, DNS वगैरह और CNAME एंट्री बनाने की जरूरत पड़ती है उसके अंदर में, तो इट्स नॉट गुड है। ये सबके लिए यूनिक आएगा एंड यू वोंट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा तुम्हारे लिए एंड देन दिस होल थिंग विल बिकम योर URL। सो लेट्स गो एंड क्रिएट द प्रोजेक्ट एंड कीप इट इनिशियलाइज रिपोजिटरी विद रीडमी। तो एक रिपोजिटरी बनेगी उसमें एक रीडमी खाली आएगा बस। ठीक है, तो ये मेरी रिपोजिटरी है विच इज एम्प्टी राइट नाउ, ऑल आई हैव इज जस्ट वन फाइल, एक ही फाइल है आपके पास में और कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, ये रीडमी फाइल है और ये रीडमी डॉट एमडी है, एमडी का स्टैंड फॉर है मार्कडाउन, और मार्कडाउन ऐसा रेंडर होकर ऐसा दिखाई देता है ऐसा। तो हम लोग इसमें इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं, लाइक तुमको अगर कमांड लिखना है तो इस तरीके से कमांड लिखो, तुमको चेकबॉक्स लिखना है, तुमको साइड हेडर लिखना है और भी कुछ चीजें रहेगी, तो
दिस इज द वे यू शुड मेंटेन योर ओन डॉक्यूमेंटेशन एज वेल, लाइक तुम्हारी रिपोजिटरी क्या कर रही है, कौन से इसमें कैसा है, लाइक हमने यूजर क्रिएशन की एक फाइल बनाई है तो उसको करने के लिए क्या क्या करनी पड़ेगी, उस फाइल को रन करने के लिए, तो तुम सारे इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो. एंड इट डजेंट हैव टू बी जस्ट वन रीड मी, यू कैन क्रिएट रीड मी इन ईच एंड एवरी फोल्डर इफ देर इज अ नीड. अगर तुम चाहते हो कि यूजर को कोई इंस्ट्रक्शन दो कि हाँ भाई तू कैसा रन करना है इस चीज को तुम्हें, तो वो तुम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाल सकते हो रीड मी के अंदर में. एंड वो रीड मी भी फाइल हम लोग लिखना सीखेंगे, उसका भी चीट शीट मैं तुम लोग को बता दूंगा, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट्स वेरी सिंपल एंड यू गोना लव इट. अगर तुमको, अगर तुम्हारे अंदर हैबिट है कि क्लीनलीनेस रखा जाए, साफ सफाई रखी जाए, तो तुमको भी बहुत पसंद आए. ठीक है, अब ये तो आ गया है यहाँ पर. अब सिंस दिस इज ऑन द प्राइवेट, नाउ हाउ डू आई क्लोन, राइट? तो क्लोन के लिए अब इसको यहाँ पे काम नहीं करना, आई कैन एक्चुअली गो अहेड एंड वर्क फ्रॉम हियर एज वेल, बट यहाँ से कोई काम नहीं करता ऐसा, डायरेक्ट सर्वर पे से गिटलैब पे बैठ के कोई काम नहीं करेगा, काम हमारा लोकल से करेंगे. लोकल पे हमारे पास गिट रहेगा, हमारे पास आईडीई चाहिए हमको, विल टॉक अबाउट आईडीई एज वेल. तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो ये रहता है, तो उसके लिए हम लोग वीएस कोड यूज कर लेंगे. वीएस कोड है एंड इंटेलीजे है, और भी बहुत सारे हैं टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं. मतलब यू कैन यूज, अगर तुमको यूज करना है तो यू कैन इवन यूज नोटपैड प्लस प्लस, यू कैन यूज नोटपैड ओनली, और एटम भी चलता है ज्यादा. तो बहुत सारे हैं, मतलब को आईडी तो नहीं बोल सकते, मतलब इसमें से कुछ आईडी है कुछ आईडी नहीं है, बट नॉर्मली वी वुड वांट दैट. और वीएस कोड बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत लाइटवेट है, और बहुत प्रीटी मच एवरीवन यूजेस इट. पहले नोटपैड प्लस प्लस बहुत कॉमनली यूज हुआ करता था, हर कंपनी में बाय डिफॉल्ट तुमको एक नोटपैड प्लस प्लस मिल ही जाएगा तुमको काम करने के लिए, वेदर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू वर्क, दैट बेसिक टूल्स विल बी देयर. बट इंटेलीजे इज वेरी फेमस अमंग्स द डेवलपर कम्युनिटी, बट रिसेंटली ऑन द वीएस कोड हैज ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, बिकॉज बीइंग इट्स वेरी लाइट वेट. इंटेलीजे तुम यूज करोगे ना तो तुम्हारा सिस्टम को स्लो कर देगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट, इट्स वेरी इंटेंसिव, और वो इतना इंटेंसिव है ना तो तुम्हारा काम आधा कर देगा, लिटरली तुम्हारा काम आधा करेगा. यू डोंट नीड टू राइट, तुमको एक भी प्रोग्राम जो भी हो, चाहे वो टेराफॉर्म का लिख रहे हो, एंसिबल लिख रहे हो, कोई सी भी लैंग्वेज का तुम बात कर लो या कुबरनेटिस है, तुमको कोई सा भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑटोमेटिक तुम्हारे कर देगा. इवन फॉर द शेल स्क्रिप्ट वो सब कुछ ऑटोमेटिक करेगा, वो इतना हैवी वेट है, उसमें बहुत सारे प्लगइन्स हैं, तो अब इतना सारा वो फीचर दे रहा है तो ऑफकोर्स वो टाइम भी लगेगा ना, वो मतलब वो रिसोर्स भी लेगा खुद को चलने के लिए, तो वो रिसोर्स ले लेता है, और अगर तुम्हारा सिस्टम में रिसोर्स नहीं रहेगा तो बहुत स्लो हो जाएगा. एज अपोज टू वीएस कोड इज वेरी लाइट वेट, इट डजंट हैव लॉट ऑफ बिल्ट इन प्लगइन. You can actually download the extensions, but still that extensions are not as robust or variety which are IntelliJ ke jaisi nahi. So IntelliJ developer log ka delight hai wo. Everybody, every developer uses that. VS Code bhi use karna start kar diya hai because the nature of being its light code. But IntelliJ actually, agar koi तुम अगर 100 लाइन लिख रहे हो तो IntelliJ में तुमको जब बस 50 लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 50 लाइन जो है IntelliJ खुद लिख के देगा तुमको, वो तुमको सजेस्ट करेगा, उसका इंटेलिजेंस तुमको सजेस्ट करते रहेगा, तुमने जस्ट एक वर्ड लिखना है और वो तुमको बता देगा कि ये चूज करो. एंड एक्चुअली दैट इज वेरी गुड फॉर अ डेवलपर, यू डोंट नीड टू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग, सब वहाँ पे आ जाता है, तो इट्स गुड इन दैट सेंस, बट इट कम्स विद दैट एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट कि तुम्हारा जो लैपटॉप है या पीसी है वो एकदम स्लो कर देगा. तो विल नॉट गो देयर एटलीस्ट फॉर नाउ, बाद में अगर कंपनी एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू विल एंड अप गेटिंग काइंड ऑफ जॉब यू विल गेट, राइट, whether you end up here or you end up here, and you can end up here, which is a very unlikely case, because हम लोग तो क्लास में यहाँ पे ये नहीं सीखने वाले, हमारा फोकस इधर रहेगा, और जिसको भी ये आता है ना वो ऑटोमेटिक ये भी कर सकता है. तो बेस्ड ऑन तुम कितना ग्रास्प कर रहे हो नॉलेज, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर, मैं पूरा यहाँ का तुमको बहुत सारा, ये दोनों का मैं तुमको बताने वाला हूँ यहाँ पर, मतलब टॉपिक स्लोली स्लोली विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दिस. अब तुम इसमें से कितना रजिस्टर करते हो, कितना प्रिपेयर करते हो, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वेयर डू यू एंड अप. अगर तुम ऑपरेशन में जाके गिर रहे हो तो तुमको 24 घंटे की शिफ्ट में डाल दिया जाएगा, 24/7 सपोर्ट, और तुम देखना ऑटोमेटिक रियलाइज करना कि किस तरह से कैसा मतलब ट्रीट किया जाता है उसको, बिकॉज दैट इज व्हाट द डेवऑप्स और एसआरई इज सेइंग कि इसको फर्स्ट ग्रेड सिटीजन बनाओ. लेकिन अभी तक कंपनी, हर कोई कंपनी ने अडॉप्ट नहीं किया, अभी भी कंपनी पुराने पुराने प्रोसेस फॉलो करती है, कैब वैब चलता है अभी बहुत सारे इसमें, कैब मतलब DevOps ने उसको आके निकाल दिया है, विल सी दैट लेटर. थोड़ा सा मतलब वो नॉन टेक्निकल पॉइंट है, बट या इट्स नॉट गुड राइट नाउ. ओके, सो ये हमने बना दिया है, ये हम लोग यूज करेंगे आगे जाके आईडी.
तो हमको वो चाहिए। मेरे पास है सारे आईडी, बट अभी मैं आईडी में यूज नहीं करता हूँ, मैं अभी कमांड लाइन में यूज करता हूँ। द नेक्स्ट थिंग फॉर अस इज टू क्लोन दिस। अब मैंने तो उसको जीमेल से किया हूँ, एंड आई कैन अगेन इफ आई वॉन्ट टू क्लोन हियर, राइट, अगर मुझे यहाँ पे उसको क्लोन करना है तो मुझे भी यहाँ पे जीमेल से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम विद दैट ओआईडीसी ओपन आईडी कनेक्ट इज आई नीड अ ब्राउजर। सो अगर मैं यहाँ से भी करूंगा तो फिर से मुझे ब्राउजर पे रिडायरेक्ट करके लेके जाएगा। तो इट्स बेटर आई डू ऑटोमेटेड वे रादर देन डूइंग ओआईडीसी, जो उसका वो उसने किया था जीमेल से लॉग इन। तो हम लोग एस एस एच से करेंगे इसको, ठीक है। आप एस एस एच में अगेन फिर से वही एस एस एच का कंसेप्ट आ जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम, जस्ट यू नीड टू ट्रीट दिस एज योर क्लाइंट एंड दिस इज योर सर्वर, बिकॉज दैट्स वॉट दे आर एक्चुअली यूजिंग। सो गिट हैज द बिल्ट इन एस एस एच क्लाइंट फीचर इन दिस, एंड गिट लैब एंड गिट हब एंड अजूर डेवॉप्स विद बकेट, दे ऑल हैव द बिल्ट इन एस एस एच सर्वर हियर। तो विच की आई नीड टू पुट इट हियर, राइट, कौन सी की यहाँ पे डालूंगा मैं, पब्लिक की और प्राइवेट की? If your answer is private key, then I think you are right or wrong. Okay, so one guy is saying private key. You are absolutely wrong. You need to go and watch. यहाँ पे तुमको मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम जाके तुम्हारी चाबी रख के आ जाओगे क्या, या ताला रखोगे यहाँ पे? ये तुमने घर खरीदा है, इसको यहाँ पे चाबी रखोगे या ताला रखोगे यहाँ पे? चाबी रख दोगे यहाँ पे तो कोई भी तुम्हारे घर में ऐसे चले जाएगा, वो तो लॉक ही नहीं है। तो इट नेवर गोइंग टू बी अ प्राइवेट की, राइट। मैं बार बार बताता रहता हूँ तुमको कि पैडलॉक मतलब तुम्हारी पब्लिक की, और हिंदी में जिसको हम लोग ताला बोलते हैं, और की जो है तुम्हारी, ये तुम्हारी प्राइवेट की है। तो प्राइवेट की तुम अपने पास, ये दिस इज यू एंड दिस इज द हाउस दैट यू हैव बॉट, राइट। ये तुमने घर खरीदा है यहाँ पर अभी। अब इस घर को तुम ताला लगाओगे या चाबी लगाओगे? तुम्हारा आंसर वो रहना चाहिए ना। तो इट ऑलवेज गोइंग टू बी अ पब्लिक की, क्योंकि तुम इसको पब्लिक की लगाओगे पैडलॉक, इट्स नेवर गोइंग टू बी द प्राइवेट की। प्राइवेट की हमेशा तुम्हारी यहाँ पे रहेगी। तो दैट्स व्हाट वी वांट। और स्टेप जो है, स्टेप जो है तुमको कहाँ पे, अब ये की को इफ यू रिमेम्बर द लिनक्स, राइट, लिनक्स में मैंने बताया था ये की कहाँ पे रहती है। आई विल नॉट वेट फॉर यू गाइस टू आंसर, आई एम जस्ट गोना पुट दिस। लिनक्स में हम लोग को यहाँ पे रखना रहता है की, राइट। तो दिस टिल्डा रिप्रेजेंट द यूजर होम डायरेक्टरी, राइट, दैट्स हाउ वी कीप द पब्लिक की। लिनक्स सर्वर पे हम लोग यहाँ रखते थे, अब यहाँ पे कहाँ रखना है हमको ये पब्लिक की? तो दैट इज द क्वेश्चन। अब इसके लिए तुम गिटलैब के डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। गिटलैब का तो अभी तुमको देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं बता रहा हूँ, बट गिटहब पे इफ यू गोना डू दैट देन यू माइट हैव टू एक्सप्लोर दैट, एंड प्रीटी मच दे फॉलो द सेम वे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस में जाना है तुमने, और ये रहा एस एस एच की, और यहाँ पे बस लाके पेस्ट कर देना उस एस एस एच की। तो इफ आई डू दिस, id.pub, अब मेरे इसमें प्रॉब्लम ये है कि आई एम यूजिंग ओल्डर वन, चलो कर ही लेते हैं। मैं जो WSL यूज कर रहा हूँ ये WSL 1 है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होने वाला है अभी कि ये दिस इज अ वन लाइन, बट वो उसको तीन लाइन में कॉपी कर लेगा। मतलब जब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो एक लाइन में आ रहा है, राइट, लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ना तो तीन लाइन में कॉपी हो जाता है। तो इट्स अ प्रॉब्लम विद द WSL 1 कि जो कॉपी मल्टी लाइन कॉपी करने के लिए क्या कर लेता है, अगर वो रैप्ट करके भी दिया हुआ है सिंगल लाइन में तो उसको तीन लाइन में कंसिडर कर लेता है। और अगर ये मेरी की तीन लाइन में जाती है तो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज की तीन लाइन की नहीं रहनी चाहिए थी, की मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो पहले मुझे जाके उसको करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैंने उसका शेल चेंज किया ना, तो लुक्स लाइक ये अब कॉपी बराबर से कर रहा है। पहले ये पुराना बैच था, अभी मैंने इसमें मैक का जी शेल डाल दिया है, तो that's why I'm able to get all this customization. So if you want to do the customization, you can also do that. So ये key को यहाँ पे copy कर दें, and ये मेरा desktop है, key आ गई, right, public key यहाँ पर आ गई। अब उसको बस add करना है, even though I think I already have it, I'm not sure, but let's do that. ठीक है, मेरी key add हो गई यहाँ पर। We'll go back to our repository again. So projects. कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है, ये प्रोजेक्ट में आते हैं।
अब इसको कॉपी करूंगा मैं यहां से, क्लोन विथ SSH, कॉपी गिट, जस्ट हैव टू मेक गिट क्लोन, ये कमांड लगाना पड़ेगा एंड देन URL पेस्ट करना है। अब देखो URL में क्या है, E4002 आया है, राइट। तो अगर तुम भी ओपन कम्युनिटी डैश वेब को ऐसा लिखते हो तो तुम्हारा ये जो इट विल बी समथिंग एल्स एंड दैट्स हाउ द यूनिकनेस विल कम इन योर URL। तो गिट क्या कर रहा है, वो जो SSH पब्लिक की दैट्स ही द गिट इज सपोज टू यूज दैट एंड कनेक्ट एंड क्लोन, राइट। तो ऑथेंटिकेशन हो गया, अगर तुम यहाँ पे कुछ गलती करोगे तो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्राइवेट की है, प्राइवेट की को क्या किसने यूज किया है, गिट ने यूज किया। और गिट एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस प्राइवेट की नीड्स टू बी ऑन द डिफॉल्ट लोकेशन, बिकॉज गिट क्या कर रहा है, डिफॉल्ट लोकेशन से यूज कर रहा है। व्हाट इज द डिफॉल्ट लोकेशन फॉर द प्राइवेट की, वेल इफ यू नो द आंसर देन गुड फॉर यू, इफ यू डोंट नो द आंसर देन यू नीड टू वर्क। ये प्राइवेट की का लोकेशन है, राइट। तो मैंने अभी क्या किया, मेरी प्राइवेट और पब्लिक की दोनों भी डिफॉल्ट नाम से डिफॉल्ट लोकेशन पे रखी हुई है। Yes, you can do that with the git bash as well. Concept remains the same. So let me show that to you on the git bash as well. Concept है ना, it's all about concept because git bash is also using git and git is using your SSH and if you generate the key there, which you should know how to do that and then GitLab तो वही रहेगा, यहाँ पे तुमको public key डालनी है and that ये तुम्हारा as long as तुम्हारे git bash पे जो भी उसका ये रहेगा, मतलब उसका जो भी default location रहेगा, तो that's something you can actually get it. I'll not go ahead and do that to you, but I'll show you something because the path will vary. So let me open a git bash. So अब हर किसी को पता होना चाहिए कि git पे किस की कैसे generate किया जाता है, right? क्योंकि इतना सारा जो after all we have spent so much time doing that, right? So git SSH keygen is the command to do that. I'll hit enter. तो ये देखो generate कर रहा है and this is the location where it's storing it, right? So this is my home directory because वो क्या कर रहा है, विंडोज पे लिनक्स चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका पाथ वो मैच करने की कोशिश कर रहा है एंड दिस इज माय होम डायरेक्टरी। तो लिनक्स पे विंडोज पे ये मेरा होम डायरेक्टरी रहता है कि दिस इज द यूजर, तो यहाँ पे तुम्हारी की रहेगी। तो गिट बैश इज एक्सपेक्टिंग योर की टू बी प्रेजेंट इन दिस डायरेक्टरी, ठीक है। तो आई मीन यू कैन जस्ट जनरेट एंड दिस गाय इज गोइंग टू जनरेट द की विद द डिफॉल्ट नेम एट द डिफॉल्ट लोकेशन, जो कि गिट भी गिट बैश भी वहीं से रीड करेगा। सो एज लॉन्ग एज यू हैव दैट इन प्लेस इट शुडंट बी प्रॉब्लम, यू शुड बी एबल टू गेट इट डन हियर लाइक दिस। तो अब मैं यहाँ पे क्योंकि अब रिपोजिटरी आ गई है तो लेट मी शो यू समथिंग। सो व्हाट वी हैव ओपन कम्युनिटी रेपो, राइट। तो इट्स अ नी, तो ये क्या बन जाएगा, जो भी रिपोजिटरी थी ना ये यहाँ पर ये फोल्डर बन गया है यहाँ पर, ठीक है। तो लेट मी गो इन साइड दिस फोल्डर, ठीक है, मैं फोल्डर में आ गया हूँ। अब यहाँ पे बिकॉज ये बता रहा है मैं कौन से ब्रांच में हूँ और मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो दैट इज जस्ट कस्टमाइजेशन जो मैं बता रहा था जो मैंने किया हूँ उसकी वजह से बता रहा है। गिट बैश पे भी वो ऐसे ही तुमको बता देगा, अगर गिट बैश पे भी तुम जाओगे ना तो वो बताएगा तुम कौन से ब्रांच में हो। तो देर इज अ कंसेप्ट ऑफ ब्रांच एज वेल, फॉर नाउ वी कैन जस्ट फोकस दैट वी हैव अ मेन ब्रांच। ये देखो यहाँ पर ब्रांच यहाँ देख सकते हैं हम लोग गिट लैब पे, वी कैन सी द ब्रांचेस हियर, हियर इज द ब्रांच, राइट। सो यहाँ पे ब्रांच मेन है और मैं भी कौन से ब्रांच में हूँ, मेन ब्रांच में हूँ। आई कैन एक्चुअली रन दिस बाय कमांड एज वेल बाय रनिंग अ कमांड कॉल्ड गिट ब्रांच और वो मुझे बताएगा मैं मेन ब्रांच में हूँ, ठीक है। तो मेन ब्रांच उसने बता दिया और ls का एल करता हूँ तो यहाँ पे readme.md है, राइट। तो दिस वॉज द ओनली फाइल आई हैड हियर, readme.md। अगर मैं इस फाइल को कैट करता हूँ तो देखो क्या दिखता है, तो इसमें बिकॉज दिस इज markdown लैंग्वेज, राइट। तो पहला उसमें हेडर अगर तुमको लिखना है ना तो विद द वन पाउंड साइन, तो एक ये H1 बनेगा, ये H2 हेडर बनेगा। तो अगर तुम यहाँ देखो यहाँ पे रेंडर्ड होके दिखाई दे रहा है तुमको, इसलिए ऐसा है। अगर तुम इसको एडिट करोगे, इस फाइल के अंदर जाओगे ना तो तुमको वही सेम चीज दिखाई देगी जो मुझे दिखाई दे रही है। तो देर इज अ वे टू एक्चुअली गेट अ कोड, यहाँ से हम लोग उसको कोड वाला डिस्प्ले सोर्स। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज दिखाई दे रही है जो मुझे यहाँ लोकल पे दिखाई दे रही है, राइट, सारी सारी चीज, ठीक है। अब दूसरा काम मैं क्या करता हूँ, ऑल यू व्हाट एवरीवन आई वुड वांट एवरीवन टू डू दैट इज टू इंस्टॉल द वीएस कोड, ठीक है। तो हर कोई क्या करो, वीएस कोड इंस्टॉल कर लेना। मैं लेट मी ओपन माय वीएस कोड व्हिच आई ऑलरेडी हैव इट हियर। नहीं तो एक काम करते, ठीक है, वीएस कोड सेटअप करते करते ना टाइम चले आएंगे। तो लेट्स जस्ट डू द, कुछ लिखते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा लिनक्स, बिकॉज हमारे सारे लिनक्स से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएंगे। और विद इन द लिनक्स डायरेक्टरी आई क्रिएट अनदर डायरेक्टरी कॉल स्क्रिप्ट। तो सीडी लिनक्स कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो देर इज अ लिनक्स सीडी लिनक्स एंड एलएस। तो आई विल क्रिएट अनदर डायरेक्टरी कॉल स्क्रिप्ट एंड सीडी स्क्रिप्ट। अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, स्क्रिप्ट में आ गया हूँ, राइट, यहाँ तक आ गया हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है, क्रिएट यूजर, सॉरी फाइल बनानी है जो हमने पहले से बना के रखी थी। इसको ना कॉपी कर लेता हूँ मैं, जो कहाँ थी, पीछे जाना है। जी आ ही गए, तो इसी यही चाहिए भी हमको, इसको यहाँ पे लिख कर आते हैं। तो क्रिएट यूजर डॉट एस एच आ गई है। अब इसमें अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो जो भी फॉर्म में है ना, इसको अब कॉपी बना लेना, राइट, दैट इज द वे। तो मैंने बताया था ना कि कॉपी बनेगी, तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट आई हैव, ये मेरी ये है। अब मैं इसको एक कमिट बनाने वाला हूँ, बिकॉज आई हैव एडेड अ फाइल, राइट। मैंने इसमें क्या किया था, इसमें सिर्फ एक ही फाइल थी इस टाइम पे, देर वॉज जस्ट वन फाइल, दैट फाइल वॉज जस्ट अ रीडमी, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया हूँ, अब एक और फाइल ऐड कर दिया, एक्चुअली मैंने फोल्डर ऐड किया हूँ, और ये अब मैं इसको क्या कर दूंगा, मैंने फोल्डर ऐड तो कर दिया है, लेकिन मैं उसको एक चेक पॉइंट बना दूंगा उसका। तो यहाँ पे अभी मेरे पास क्या है, readme.md है, और उसके बाद में लिनक्स स्क्रिप्ट्स और create_user.sh, दो मेरे पास में फाइल्स हैं जो कि जस्ट नेस्टेड वे में। तो ये मेरा पहला कमिट था, जहाँ पे मतलब जहाँ से मैंने लेकर आया था। तो गेट के कमांड से मैं और डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे। और अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, गेट स्टेटस करके देखता हूँ। तो कुछ ये गेट के कमांड्स हैं, तो गेट स्टेटस में ये बता रहा है कि ये जो डायरेक्टरी है रेड है, लेकिन बिकॉज आई एम इनसाइड इन द डायरेक्टरी, दैट्स व्हाई बता रहा है। तो मैं जब भी ये करना है ना, तो उसके पैरेंट पे आ जाना, हमेशा पैरेंट में आके करना है ये चीज। तो पैरेंट में आने के बाद वो क्या बता रहा है कि लिनक्स जो है अनट्रैक्ड है। तो विल टॉक अबाउट वॉट इज द अनट्रैक्ड एंड वॉट इज ट्रैक एंड स्टेजिंग एंड अदर थिंग। लेकिन अभी कमांड याद रखो क्या क्या हमने कमांड किया। पहले हमने गिट क्लोन कमांड रन किया था, ठीक है, गिट क्लोन एंड देन URL, एंड बिफोर दैट यू हैव टू सेटअप द SSH, ठीक है। तो ये भी जो है ना, इसके स्टेप्स मैं अपलोड कर दूंगा जो भी हम लोग कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई वी क्रिएटेड दिस रिपोजिटरी, वेयर वी विल हैव ऑल द सोर्स कोड एंड एक्सेस विल बी शेयर्ड विद एवरीवन हु आर एक्चुअली रेगुलर। सो इट वोंट बी शेयर्ड विद एवरीवन दैट आर देयर इन द ग्रुप। So only people who are doing some assignment and those who actually wants it, it will be shared with those people. Those who don't want, then unnecessarily not going to expose with the people just to एक satisfaction level के लिए, हाँ हमारे पास भी access है लेकिन कुछ कर तो नहीं रहे, तो सिर्फ उनके साथ share होगा जो कुछ कर रहे हैं इसके लिए। तो git clone से हमने clone कर लिया था, before that we had to do the SSH setup, वो भी मैं step उसके अंदर डाल दूंगा। And then next हमने क्या किया था, git branch कमांड रन किया था, इफ यू रिमेम्बर। गिट ब्रांच कमांड ने हमको क्या बताया कि कौन से ब्रांच में है हम लोग, लेकिन अगर तुम गिट बैश वगैरह यूज करोगे तो तुमको बता देगा, जैसा मेरे इसमें बता रहा है कि मास्टर में हूँ और या मेन ब्रांच में हूँ, दैट्स ऑलवेज इज गोइंग टू शो यू। तो बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच बनता है, दैट इज अ मेन और मास्टर ब्रांच। मास्टर बोलना बंद कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि वो स्लेवरी पे चले आता है, तो मास्टर स्लेव ऐसा कंसेप्ट हो जाता है, जहाँ पे जो पहले स्लेव इंसानों को स्लेव बना के बेचा जाता था। तो इसलिए लॉट ऑफ पुराने जो टूल्स थे, जो क्लाइंट सर्वर थे, उसमें स्लेव मास्टर स्लेव का आर्किटेक्चर हुआ करता था, एंड दैट समथिंग नाउ दे अबैंडन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स वाले, कि नहीं ये नाम नहीं रहना चाहिए, दैट नाम, ये नाम जो है इंसल्टिंग है, मतलब क्योंकि इट जो हार्श रियलिटी है हमारी, जो वो हमको याद दिलाता है जो इंसानों को गुलाम बना के बेचा रहा था। तो इसलिए वो स्लेव और मास्टर का जो नाम बहुत जगह से हट रहा है। तो गिट में भी पहले मास्टर हुआ करता था, वो मेन हो गया, तो ज्यादातर जगह पे वो मेन यूज किया जा रहा है। फिर उसके बाद में हमने फाइल हमारा काम किया टू वर्क, एंड देन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी सीडी टू पैरेंट डायरेक्टरी, ठीक है, जो भी रिपोजिटरी की पैरेंट डायरेक्टरी थी ना, तो वहां पर आए हम लोग, राइट। और हमेशा यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ चेक पॉइंट विच इज नथिंग बट अ सेव और कमिट। जो चेक पॉइंट क्रिएट करना, ये जो सर्कल कब बनेगा, जब मैं यहाँ पे कमिट करूँ, और कमिट करने का बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, यू शुड ऑलवेज गो बैक टू योर पैरेंट डायरेक्टरी। तो पैरेंट डायरेक्टरी क्या रहेगी, जो तुम्हारी एक्चुअली, ये मेरी पैरेंट डायरेक्टरी हो गई, राइट, रिपोजिटरी जो है मेरी, दिस इज माय ओपन कम्युनिटी रेपो, दिस इज माय पैरेंट डायरेक्टरी। तो मैं इस पैरेंट डायरेक्टरी में आके फिर यहाँ से आगे काम करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आने के बाद में अब अगला कमांड जो मैंने रन किया था गिट स्टेटस, गिट स्टेटस इसने मुझे बता दिया कि कितने सारे फाइल्स में मैंने चेंजेस किया हूँ जो गिट ट्रैक नहीं कर रहा। अभी तक गिट को नहीं पता कि उस फाइल में कुछ हो रहा है, क्योंकि गिट का देखो गिट तो है टाइम मशीन जैसा कि तुम टाइम ट्रैवल दे रहा है, लेकिन गिट का खुद का तरीका है काम करने का, और वो अपने को बोलता है कि वही तरीके से काम करना। तो अभी तो मैं तुमको बस बता दे रहा हूँ, और नेक्स्ट वीक में हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो गिट स्टेटस से तुमको दिख जाएगा, एंड देन वी कैन ऐड डू गिट ऐड। ऐड का मतलब, डॉट का मतलब क्या रहता है, करंट डायरेक्टरी। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, करंट डायरेक्टरी में जो भी है सबको ऐड कर दो। दैट इज अ वन लेजी वे टू डू इट। द बेटर वे इज टू स्पेसिफाई विच फाइल वी वॉन्ट टू ऐड, राइट। तो ऐसा मैं कर दूंगा तो ये गिट स्टेटस में बता ही देता है अपने कौन सी फाइल है, तो कौन सी फाइल ऐड करनी है। तो मैंने जब गिट स्टेटस किया तो बता दिया। तो इधर आई कैन डू गिट ऐड लाइक दिस, और आई कैन सिंपली कॉपी एंड पेस्ट। आप फिर से उसको देखो, यहाँ पे ये +1 भी हो गया, तो ये मुझे बता भी रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट है जी शेल का, तो वो बता भी रहा है अच्छे से। गिट स्टेटस करूंगा तो अब देखो बोल रहा है कि न्यू फाइल एडेड। पहले देखो गिट स्टेटस में क्या बता रहा है, तो गिट ऐड लिनक्स कर दिया जो भी उसने बताया था, या फिर मैं ऐड कर सकता हूँ। तो वो ऐड क्या करेगा, इस करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल में चेंजेस हुए हैं सबको ऐड करो। तो व्हेन यू वांट टू ऐड एवरीथिंग देन यू डू दैट। अभी तो मैंने एक ही फाइल में चेंज किया, तो आई डोंट हैव मल्टीपल फाइल्स, लेकिन जब मैं ज्यादातर फाइल में चेंज करूंगा, बिकॉज तुम गिट कमिट हर बार नहीं करोगे, लाइक एक फाइल में एक चेंज किया और कमिट करो, मतलब तुम एक पूरा सेशन रहेगा, लाइक 2 घंटे तुमने काम किया तो कमिट कर लो, या पूरा दिन काम किया तो कमिट कर लो। तो एक दिन में कम से कम 4-5 कमिट करना चाहिए तुमने व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। तो कमिट हो गया हमारा, अब इसको क्या करेंगे, सॉरी गिट ऐड हो गया, ये ट्रैक कर रहा है अभी। तो अब मैं कमिट करूंगा, कमिट में मुझे मैसेज लिखना पड़ेगा, और ये मैसेज लिखने के भी बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि एडेड एडेड फाइल या ऐसा, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम ट्रैवल इसी के बेसिस पे होगा। तुमको कौन से, यहाँ पे तुमको पता रहेगा तुम्हारा तुम्हारा भी इतना, लाइक तुम इवेंट क्या हुआ था। अभी तुमको जाना है, मान लो कि तुमको जाना था 2010 में या 2011 में जाना है, 2011 मार्च में कोई डेट पे जाना है, तो तुमको वहाँ पे इवेंट लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। तो तुमको वापस से वो मोमेंट रिलीव करना है, तो तुमको उस तरीके से समझेगा, नहीं तो 2011 में इतने सारे इवेंट हो चुके हैं, तुमको कहाँ पे जाना है अगर जस्ट तुम डेट लगा दोगे तो, क्योंकि तुमको उतना याद रहना चाहिए कि वो डेट पे मुझे जाना है। तो वही यहाँ पे इवेंट में क्या हुआ था, यहाँ पर वो लिख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो जब भी हमको टाइम ट्रैवल करना होगा तो ये मैसेज से हमको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर ये चीज हुई थी, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमको वो दिखाई देगा, राइट। तो वो इवेंट यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ताकि हम लोग को जब पीछे आना पड़ेगा तो ये देख के हम लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ खाली एडिंग फाइल फॉर लिनक्स यूजर क्रिएशन, ठीक। तो अभी तो मैंने सिर्फ ऐड किया, इसके अंदर बाद में अगर कुछ मॉडिफाई होगा तो उसका लॉजिक लिखा जाएगा, तो वो सब बात चीजें बाद में आएंगी। तो हो गया सब कुछ, तो गिट स्टेटस फिर से करूंगा मैं, तो इस बार बोल रहा है कि कुछ नहीं है, सब कुछ हो गया। तो कमिट मैंने कर दिया हूँ, ठीक है, ये कमिट हो गया यहाँ पर, और ये कमिट का जो है ना आईडी आ जाएगा। तो ये कमिट का गिट लॉग कमांड करूंगा मैं, तो देखो ये वाला एडिंग, ये मैसेज मैंने लगाया था ना टाइम इवेंट पे, और ये मेरा कमिट का आईडी है। तो दिस इज द आईडी, ये ऑथर का इंफॉर्मेशन दे रखा है क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये सारी चीजें दे रखा है उसने, ठीक है। तो अब मैं इसको इसमें लेता हूँ, वन लाइन में लेते हैं इसको। तो वन लाइन में इसमें क्या है, आईडी बताया उसने और ये मैसेज बताया। तो दिस इज जस्ट अ बेटर वे, जब तुम्हारे पास ज्यादा आ जाएगा तो तुमको ये आसानी से दिख जाएगा। तो यहाँ पे कमिट आईडी आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी ये पूरा का पूरा जो चीज हुआ है ना, ये पूरा लोकल पे हुआ है। अभी तक ये जो फाइल मैंने ऐड किया हूँ, ये पूरा मेरा लोकल सिस्टम पे हो रखा है, ये अभी तक गिटलैब पे गया ही नहीं है। तो गिटलैब पे अगर मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ, पीछे आते हैं तो फाइल खुली हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी तक फाइल आई नहीं हो जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा था। तो यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ, बिकॉज आई हैव सम चेंजेस। और देखो अगर इफ यू रीड दिस मैसेज एज वेल, राइट, यहाँ पे रीड मी है जो कि गिटलैब पे भी दिखाई दे रही है, और लिनक्स है जो गिटलैब पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे वो बोल भी रहा है एक्चुअली, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय वन कमिट। ओरिजिन मेन मतलब जो ओरिजिन था, इसका ओरिजिन कौन है, गिटलैब पे ओरिजिन हुआ था ना, ये तो ओरिजिन मेन वो हो गया।
तो बोल रहा है कि गिटलैब से तुम एक कमिट आगे चले गए हो, गिटलैब तुम्हारे से पीछे रह गए। तो वो बोल भी रहा है यूज गिट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट, तो जो भी कमिट हो रखा है ना दैट इज ऑन लोकल। तो ये सेम चीज गिट पे, अभी गिट पे कैसी, गिटलैब पे क्या बना हुआ है, गिटलैब पे सिर्फ गिटलैब पे जो सिनारियो है, दिस इज द सिनारियो ऑन द गिटलैब राइट नाउ, जस्ट एक कमिट है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज रखी हुई है दैट इज रीडमी। तो बोल रहा है कि तुम इसको यहाँ पे पुश करो तो ये जो तुम्हारा आगे का ये कमिट है ये यहाँ पे भी ऐड होगा। तो वो करने के लिए वो कमांड जो है हमारे पास में, दैट इज अ गिट पुश कमांड, ये कमांड हम लोग कर देंगे तो ये वाला यहाँ पे चले जाएगा। तो द होल थिंग इफ दिस का दिस थिंग विल कम हियर, इट्स चेंज द कलर। तो ये कमेंट यहाँ पे आ जाएगा जब मैं ये करूंगा। एंड बिफोर तो गिट ऐड करने के बाद हमने क्या किया था, गिट कमिट किया था, उसमें हमने कमिट कर दिया, उसको लगा दिया और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया। तो तुम्हारे जो पास है ना, लाइक 90 या 80% ऑफ द टाइम दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। यू डोंट नीड टू क्लोन इट एवरी टाइम। क्लोन का रिप्लेसमेंट क्या होगा, क्लोन सिर्फ वन टाइम करना है। अब ऑलरेडी मेरे पास क्लोन आ गया तो आई डोंट नीड टू क्लोन दिस एवरी सिंगल टाइम। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, गिट पुल होगा, जैसा पुश था ना यहाँ पे पुश हुआ। तो फर्स्ट टाइम में क्या करना है तुमको, जब ये इसको यहाँ लाया गया था तो वी डिड अ क्लोन। अब उसको सेकेंड टाइम जब इसके बाद में क्या होगा, एक और कमिट आ जाता है, मान लो कि देयर इज अ वन मोर कमिट एडेड, सम अदर डेवलपर हैज एडेड हियर राइट, जो मेरे पास नहीं है। तो इस कमिट को लाने के लिए मुझे कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, पुश। तो ये सिनेरियो भी मैं बता दूंगा तुमको गिट पुश का। तो एक क्लोन जो है सिर्फ वो एक ही बार होगी, ठीक है। अभी मान लो कोई नया डेवलपर है, वो जो डेवलप अभी यहाँ पे कितने, तीन कमेंट आ गए, ठीक है। एक नया डेवलपर आया, अब वो नया डेवलपर क्या करेगा, वो पुश कब करेगा, जब तुम्हारे पास में पता होगा कि कहाँ से पुश, सॉरी गिट पुश नहीं करना है, माय बैड, गिट पुल करना है। ठीक है, जब नया डेवलपर आएगा ना तो वो यहाँ से, उसको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ से क्या करेगा, इसके लिए क्या रहेगा, ये क्लोन रहेगा, इट वोंट बी अ गिट पुल, बिकॉज गिट पुल कहाँ से करेगा। क्लोन में हम लोग यूआरएल दे रहे हैं, पुल में हम लोग यूआरएल नहीं देते। क्लोन में हमेशा हम लोग क्या दे रहे हैं, यूआरएल दे रहे हैं, कौन सी यूआरएल को लेकर आना है, लेकिन पुल में हम लोग यूआरएल नहीं देने वाले। पुल क्या कर लेगा, जो भी यहाँ का लेटेस्ट है वो लाएगा। तो फर्स्ट टाइम द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ता है, गिट क्लोन, उसके बाद से गिट क्लोन नहीं करना है हर बार तुमने, क्योंकि ये मिस्टेक्स भी बहुत करते लोग, ठीक है। तो ये मिस्टेक भी लोग बार बार करते रहते हैं कि हर बार वो लोग गिट क्लोन ही करते हैं, बोलते हैं ठीक है सर ने ऐसे स्टेप बताए थे तो पहला हमको अभी फिर से काम स्टार्ट करना है, फिर से क्लोन करो। हर बार क्लोन करने की जरूरत नहीं, एक बार क्लोन कर दिया ना, तो यहाँ पे ये सारी डिटेलिंग मैं बाद में बताने वाला हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पे देखो एक गिट डॉट गिट डायरेक्टरी है जो कि हिडन है यहाँ पे राइट। अब इस डायरेक्टरी में अगर हम लोग जाते हैं और इसमें एक फाइल है कॉन्फिग नाम की, उसको कैट करता हूँ तो यहाँ पे वो बता रहा है रिमोट ओरिजिन जो है उसकी यूआरएल क्या है, राइट। ये यूआरएल है, और जब भी मैं गिट पुल करता हूँ ना तो ये यूआरएल पे जाके चेक करता है, और यहाँ पे जो भी अगर मेरे कमिट, मेरा जो भी मेरे पास में जो भी ब्रांच है, अगर उससे कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चीजें रहेगी तो वो यहाँ पर लेकर आ जाएगा उसको। तो यहाँ पे जब भी मैं ऐसा करूंगा ना कि गिट स्टेटस, और अगर मान लो कि ये मेरे से आगे रहेगा तो बोलेगा कि यू आर बिहाइंड वन कमिट बाय मास्टर बाय द ओरिजिन मेल, या फिर टू कमिट बिहाइंड। अभी मुझे क्या बोल रहा है, वन कमिट अहेड बोल रहा है, बाद में वो मुझे बिहाइंड बोलना स्टार्ट कर देगा। तो ये यहाँ पे रन करना नहीं है, इसको यहाँ पे रन करना है, बिकॉज आई वॉज रनिंग दिस इनसाइड द डॉट गिट डायरेक्टरी। तो गिट स्टेटस जो बताया था, अब मैं करता हूँ गिट पुश। तो गिट कुछ टाइम ले रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, लोकल से रिमोट पे भेज दिया उसको, तो यहाँ पर आ गया। और ये सेम स्टेप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज, चाहे वो गिट हब हो या गिट लैब हो या बिट बकेट हो या अजूर डेवॉप्स हो या कोई सा भी दूसरा और टूल, बहुत सारे टूल्स है मार्केट में, कोई सा भी हो, दिस इज द वे थिंग्स विल वर्क। तो अब हमारा जो कोड था यहाँ पर भी आ जाएगा, रिफ्रेश करूंगा तो और देखो यहाँ पे बता भी रहा है जो भी मैंने कमिट किया था,
और हिस्ट्री विस्ट्री भी आ जाती है, देखो सेम कमिट आईडी यहाँ पर भी आ गया है, तो ये सारी कमिट्स आ गई है। और इसके अंदर में ये लिनक्स है, इसके अंदर स्क्रिप्ट है, और ये हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट ये हो गई यहाँ पर। इसमें हमको क्या करना था, द ओनली जो काम हमारा बचा हुआ था एक तो हमने कर दिया, अब इसके अंदर हमारा काम क्या बचा हुआ, सीडी लिनक्स स्क्रिप्ट यूजर। इसमें एक ही चीज बची हुई है कि जब हम लोग यूजर बना रहे हैं तो उसको सूडो प्रिविलेज हम लोग नहीं दे रहे हैं, मतलब हमको क्या करना है, यूजर को सूडो प्रिविलेज देना है। तो वो सूडो प्रिविलेज में तुमको एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग, कॉपी कर लेता हूँ, और मैं पर्पसली चीजों को ना क्लीन वे में लिख रहा हूँ जैसा इट इज एक्सेप्टेड इन द प्रोडक्शन, तो यू नीड टू फॉलो दैट, क्योंकि मैं जब इतना सजा के लिख रहा हूँ तो तुम भी वही सी हैबिट लिखो, मतलब फॉर यू इट वुड बी टू फर्स्ट गेट इट जस्ट गेट इट डन एज इट इज, उसके बाद में तुम थोड़ा सा उसको क्लीन वे में लिखना स्टार्ट करो। तो सुडो एट सुडोस सुडोवर्स में ऐड करने के लिए मैंने, इफ यू रिमेम्बर एकदम बिगिनिंग में जब हमने डिस्कस किया था, मैंने बता दिया था स्टेप्स व्हाट नीड्स टू बी डन। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा, फर्स्ट वी शुड क्रिएट अ फाइल, तो एक फाइल हमारी बनेगी, तो उस फाइल में यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे यूजर नेम ले लेते हैं, यूजर नेम विल बी $1। तो ये क्या रहेगा, फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट पास होगी, जब भी ये फंक्शन चलेगा ना कि ऐड सुडोवर्स, ये हटा देता हूँ, यूसेज में इसलिए लगाया था ताकि देर आर बिल्ट इन यूसेज एज वेल, सो वी डोंट वांट अ कॉन्फ्लिक्ट विद आर यूसेज विद द। तो यूजर नेम यहाँ पे रहेगा, और इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला था कि एक फाइल हमको बनानी पड़ेगी, जो अब सुडोवर्स का जो है ना, अगर तुमको नहीं पता तो गो बैक इन ला, क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ आपको पहले। और ये जाएगी हमारी पीएमपी डायरेक्टरी में, और जो भी यूजर नेम रहेगा मैं उस यूजर नेम अंडरस्कोर सुडोवर्स करके सुडोवर्स बना दूंगा सफल, ठीक है। अब व्हाट ऑल वी नीड इज द कंटेंट ऑफ दिस फाइल, सो हम लोग ये यहाँ से लेकर आ सकते हैं etc सुडोवर्स, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है, जहाँ पे ये सिंटैक्स के बारे में मैंने अच्छी डिटेल में बताया हूँ, राइट, पूरा सुडोवर्स पे हमने कर रखा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एंड व्हाट आर ऑल ऑल ऑफ दिस थिंग। तो लेट मी जस्ट सिंपली कॉपी दिस एंड कम बैक टू आवर स्क्रिप्ट, यहाँ पे हमारा यूजर नेम रहेगा, जो भी यूजर नेम हम लोग लेने वाले हैं, एंड इसको टैब दे देता हूँ, और ये ई से भी मैंने बता दिया था, राइट, ये दो टैब ऐड होंगे इसके अंदर। अब इसको मैं तुमको बाहर रन करके बताऊंगा, लेकिन यूजर नेम एम्प्टी आएगा तो कुछ नहीं आने वाला इसके अंदर, तो ऑल 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 करके आ जाएगा ये, एंड इसको हम लोग को डालना पड़ेगा नो पासवर्ड। ठीक है, सुडोवर्स का मैंने लिंक भी भेजा था जहां से तुम लोग देख सकते हो क्या लिंक है। तो इसमें पूरा मतलब एक्सप्लेन किया है मैंने, राइट, ऑलरेडी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, तो आई एम सिंपली गोइंग टू एड, टैग स्पेसिफिकेशन है, ओके, सिंटेक्स इज रॉन्ग, सो सिंटेक्स इस तरीके से होना चाहिए उसका। तो टैग ये नो पासवर्ड से क्या है, अभी मैं जब भी सुडो यूज कर रहा हूँ तो मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, राइट, तो नो पासवर्ड डालने से क्या होगा, वो मुझे पासवर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। तो पहले मैं ये फाइल बना लूंगा, ऐसा ये फाइल बनने के बाद में क्या होगा, अब ये फाइल तो बन गई है, अब फाइल का मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंटैक्स चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इफ आई मेक एनी मिस्टेक इन दिस फाइल
तो क्या होगा उसके बाद में, ये मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा. तो दैट समथिंग आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट, राइट. तो नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ पे एक कर सकता हूँ कि वेदर ये जो मेरा इको कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं. तो ये कब मुझे कैसे पता चलेगा, देर इज डैश एफ, तो मैन टेस्ट में जाके देख सकते हो. एफ का मतलब क्या रहता है कि वो चेक करेगा कि ये फाइल यहाँ पर है या नहीं. तो ये फाइल अगर यहाँ पे बनी है तो अभी यहाँ पे हम लोग वो रिटर्न कोड वाला भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं पर्पसली यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ ताकि तुमको अलग वेरिएशन भी समझ में है कि कब फाइल को चेक करना है और कब दूसरी चीजों को चेक करना है. तो डैश एफ क्या करेगा, रिटर्न करेगा अगर ये फाइल करेक्ट है तो, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है और इट्स अ नॉर्मल फाइल, फाइल रीडेबल भी है, तो अगर मेरा इको कमांड सही से चला होगा तो आई विल हैव दैट. ओके, सो अब मैं यहाँ पे ये रहेगा मेरा वी आई सुडो, एंड देन चेक करना है मुझे ये फाइल को. अब ये कमांड चलेगा सही से तो उसके बाद में ये हो जाएगा. तो इसको भी मैं इफ कंडीशन में लगा देता हूँ. दिस इज अनदर वे टू राइट इफ कंडीशन. अब मैं सीधा कमांड रन कर रहा हूँ, तो इफ अगर ये फेल होगा ना तो उसका नॉन जीरो आएगा. तो नॉन जीरो आ गया तो मतलब कमांड हमारा फेल हो गया. अगर इफ दैट्स द केस देन आई विल, अगर ये ट्रू आता है तो मैं इसको मूव कर दूंगा कहाँ पर, etc sudoers.t. ठीक है, इसको यहाँ मूव हो जाएगा, और मूव होने के बाद में इसको ch mode कर दूंगा मैं, विच इज 400. अगेन दिस को ch own कर देंगे इसको, root root, we just have to make sure that this is owned by root. एंड उसके बाद में इसको हम लोग एल्स में ले लेते हैं, जहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे कि जो कमांड है वो नहीं चला, मतलब तो कुछ तो सिंटैक्स एरर है इसके अंदर. फेल्ड जीरो फोर ये फाइव. ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे एग्जिट वन कर देंगे उसको, थ्री करते हैं. तो ये तो इनर ब्लॉक का इफ कंडीशन हमने मैच कर दिया. अब हमको ये करना है कि व्हाट इफ ये एको कमांड ही फेल हो गया होगा, तो इसका भी एल्स लिख देते हैं. एरर और लिखते हैं कि अनेबल टू फाइंड. सर वो इफ रॉन्ग लिखा हुआ है, इफ रॉन्ग है वो, एफ आई कर दिया आपने शायद एग्जिट के नीचे. तो क्लोज करना ना, तो क्लोज में हमेशा रिवर्स रहेगा ना उसका. ओके ओके एरर अनेबल टू फाइंड ये फाइल. तो ये तो मैंने बताया था ना इफ में कि इफ लिखा था हमने, केस लिखा था, तो केस को क्लोज उल्टा केस लिख के करना पड़ेगा. ई सैक और इफ लिखा है तो उसको, ये शेल स्क्रिप्ट में इस तरीके से होता है. ठीक है, तो दैट इज ओनली फॉर द शेल स्क्रिप्ट, डोंट गेट डोंट कंफ्यूज दिस विद द अदर्स. ठीक है, अभी हमने लिख दिया यहाँ पर, एंड नाउ वी कैन गो एंड चेक दिस. तो अभी स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, लेट मी जस्ट ट्राई टू रिकॉल दैट वर्ड्स. सुडोर्स फाइल यहाँ पे दे रखी है, तो यूजर डेटा सुडोर्स यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे ये भी
शायद ये मैंने किया था बट ठीक है, अभी फंक्शन बेसिस पे कर लिया हमने, तो फंक्शन भी वही काम कर देगा हमारा। तो ऑल द पॉइंट हियर इज यू शुड गो एंड रिमेम्बर द कंसेप्ट, एंड ये कंसेप्ट याद करने के बाद में तुमको ये समझेगा। और ये फंक्शन अभी दिया है ना, तो इंस्टेड ऑफ नाउ अब मैं इसको आई कैन फ्रीली गो अहेड एंड डिलीट दिस एज वेल बिकॉज आई रियली डोंट नीड दिस, मतलब आई कैन ऑलवेज गेट दिस बैक, सो आई कैन रिमूव दिस वन। और अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड सुडोवर्स और जो भी यूजर का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूजर, दिस, तो ये यूजर का नाम यहाँ पे सप्लाई कर दूंगा मैं। तो ये फंक्शन है अभी, राइट, दिस इज लुक, ये पूरा कमांड जैसा दिख रहा है लेकिन ये ऊपर से आ रहा है, मैंने ऊपर में फंक्शन लिखा। और ये फंक्शन का डॉलर वन मतलब जब ये फंक्शन रन करोगे तो जो भी तुम पास करोगे, जैसे स्क्रिप्ट को आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है वैसे ही फंक्शन को भी आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या रहता है, यूजर नेम ले लिया जो कि यूजर नेम ही रहेगा और बस उसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोकल भी बोल सकता हूँ इसको, लोकल यूजर नेम रहेगा, सो इनकेस अगर कोई दूसरा फंक्शन भी यूजर नेम यूज कर रहा है या फिर ये स्क्रिप्ट में ही कोई कहीं और जगह पर यूजर नेम यूज हो रहा है तो इट वोंट गेट कंफ्यूज विद दिस वन। इवन दो मैं जो ज्यादातर क्या रहता है कि जब तुम स्क्रिप्ट में लिखोगे तो उसको कैपिटल में लिखो सारा, और जब फंक्शन में लिखोगे तो उसको स्मॉल केस में लिखो उस यूजर नेम को, राइट। सो दिस इज हम पर्पसली डूइंग इट ताकि हम लोग दूसरा यूज केस भी कवर कर ले। अभी मैंने उसको फ्रीली डिलीट कर दिया, एंड आई कैन ऑलवेज गेट दैट फाइल बैक एज वेल। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट ना, हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे इसको, अभी मैं इसको पुश कर देता हूँ। तो इसको फिर से पैरेंट डायरेक्टरी में आता हूँ ना, ठीक है, आई एम इन द पैरेंट डायरेक्टरी नाउ, आई कैन से गेट एड टू गेट स्टेटस, वो बोल रहा है कि ये फाइल में चेंजेस हुआ, तो गेट आई कैन जस्ट सी से दिस टाइम एड डॉट गेट स्टेटस अगेन गेट commit as in adding function to provide sudoers privileges to user। ये फाइल तो आएगा ही, तो उसमें पता है उसमें रहेगा कि ये फाइल में चेंजेस हुआ है, तो आई डोंट नीड टू से विच फाइल बिकॉज देयर इज जस्ट वन फाइल राइट नाउ, तो दैट्स द वे। अदरवाइज एकदम डिस्क्रिप्टिव लिखना है एंड दिस नीड्स टू बी प्रेजेंट टेंस। एक चीज कान खोल के सुन लो, क्योंकि सब लोग क्या कर देते हैं, पास्ट टेंस लिख देते हैं, उनको लगता है कि मैंने कर दिया। मैं तुमको आगे बताऊंगा कि हाउ यू हैव नॉट डन इट, इवन दो हमने उसको कमिट करा है लेकिन फिर भी हमने किया नहीं है अभी तक, तो वो चीज मैं बाद में बताऊंगा तुमको व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग मोर इनटू दिस। एंड ऑल्सो विल सी द ब्रांचिंग एंड स्ट्रैटेजी एंड हाउ दिस थिंग विल बी मर्ज्ड एंड पुल रिक्वेस्ट विल बी क्रिएटेड अदर स्टफ। सो ये हो गया, अब इसको गेट पुश कर दूंगा मैं। And if I do git log --1 line, तो यहाँ पे देखो दो commit आ गए, तो I can go back to, अब मैं time travel कर सकता हूँ because मैंने क्या किया था उसमें से वो logic निकाल दिया, right, जो मैंने function बना दिया है। Before function there was another way, जो जो user को sudo उसमें add कर रहा था तो वो इसमें था, तो I can always come back to this। अब मैं इसमें वो कैसे आएंगे ना वो सब मैं बताऊंगा बाद में, तो मैं इस पर आ सकता हूँ, मैं इस पर आ सकता हूँ जहाँ पे एक ही, यहाँ पे एक भी फाइल नहीं रहेगी, इस पे आऊंगा जहाँ पे वो उसके ओरिजिनल स्टेट में था, तो मैं यहाँ से भी चीजें कर सकता हूँ। प्लस आई कैन डू दिस फ्रॉम द हियर एज वेल, स्टार्टिंग के लिए यहाँ से करना ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज तुम लोग ऐसा यूआई पे सब कुछ दिखेगा, कमांड लाइन पे दिख देख के ना सब कुछ ऐसा लगे, डर लग जाएगा तुम लोग क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा फिर से, तो आ गया है, मतलब फंक्शंस भी इसमें ये रहा हमारा, इसका टेस्टिंग जो है नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे। तो अब सारे जो हम लोग स्क्रिप्ट, अलग अलग स्क्रिप्ट लिखेंगे, विल राइट अ स्क्रिप्ट इंस्टॉल द सर्विस एंड जो भी अब आगे के भी हमारे लिनक्स स्पेसिफिक चीज होगी, तो अब उसके अंदर में अब हमारी जो जर्नी इस तरीके से जाएगी, लिनक्स गेट एंड देन सून विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्लूडिंग द क्लाउड एंड द अदर सीआईसीडी एज़ वेल। तो सारी स्क्रिप्ट्स का अब ये हमारा एक लोकेशन रहेगा जहाँ पे हम लोग सारे क्लाउड रिलेटेड स्पेसिफिक चीजें भी रखेंगे, क्लाउड के काम करेंगे, लिनक्स के काम करेंगे और सीआईसीडी का भी चीज बता दूंगा मैं तुमको करने के लिए। तो अभी के लिए आई थिंक दैट्स गुड इनफ, और यू गाइस कैन ऑल्सो गो एंड ट्राई टू क्रिएट रिप्लीकेट दिस सिमिलर थिंग, और इस पे मैं एक्सेस दे दूंगा सबको, एंड ओनली पीपल
those who will be present in the next week, right? So मैं उन लोगों को access दे दूंगा इसके ऊपर में, and that's how you can get it. और अगर जिन लोगों जो यहाँ पे है, those who are up to date, you can give me your email as well, and I'll provide that. So I've taken a name of all the people who have joined, because I don't want to share this publicly with everyone, those who are not appreciating it. Only people who are actually going to do something, सिर्फ उनके साथ में share रहेगी. ठीक है, तो लेट्स क्लोज द क्लास फॉर टुडे, विल मीट नेक्स्ट वीक. थैंक यू सर.